स्पेशल सेशन होगा मोटापा घटाइए सेहत बढ़ाइए। हर व्यक्ति ये चाहता है उसकी बॉडी स्लिम और ट्रिम होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा दिखे, पर्सनालिटी अच्छी लगे। हर भाई बहन ये चाहते हैं, तो आज आइए हम स्पेशल प्रयोग बताते हैं। जैसे हमारे शरीर में चर्बी के कई स्थान है, चर्बी कहाँ कहाँ होती है समझ लीजिए, ये बाह यहाँ चर्बी होती है, उसके बाद पीछे त्रिकोण हड्डी है वहां स्किन लटकती है, मैंने तो देखा होगा। उसके बाद ये गला, ये चिन और एक जैसी हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। फिर पेट, कमर, साइड में ये नितंब, थाइस और कब्ज़, ये चर्बी के स्थान है। अब प्रकृति का ये नियम है, बाइक फुटबॉल की तरह बढ़ते हैं, पेट से पहले बटक से नितंब से बड़ी होती है, आप भी चेक करिए, यानी नाशपति की तरह ऐसा सिस्टम है। तो अलग अलग एरिया की चर्बी कैसे घटाएं, पूरी बॉडी की चर्बी कैसे घटाएं, तो आज हम कुछ प्रयोग करेंगे। देखा कि वजन बढ़ता है। दूसरी बात, थायराइड ग्रंथि के स्राव यदि संतुलित नहीं होते हैं, इसमें दो तरह के स्राव होते हैं, एक हाइपो एक हाइपर। जिसका हाइपो होता है उसका वजन बढ़ जाता है, और हाइपर होता है दूसरा होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, हमें चाहिए 1500 कैलोरी और हम 2000 खा लेते हैं, 1500 आपकी खर्च हो जाती है। जैसे पैरों को 1500 कैलोरी चाहिए, भाई को 2000 ढाई हजार चाहिए, जो पत्थर फोड़ते रोड पर उनको 4000 चाहिए, समझे ना। आप कितना इनपुट कितना खा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले ये भी समझना चाहिए कैलोरी कितनी होती है, सिंपल गणित, एक कप दूध में कितने कैलोरी होनी चाहिए, 100, ठीक है। एक गुलाब जामुन रसगुल्ला हम 5-6 खा लेते हैं, और एक में कितनी होती है, 150 कैलोरी, अंदाज लगे। तो ऐसा कैलकुलेशन करिए, सुबह से शाम तक आप क्या खाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, खाली ब्रेड में मक्खन लगा के खाती हूँ। अरे ब्रेड में मक्खन लगा तो कैलोरी कितनी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई ना, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितने खा लेते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखने के लिए भी आप ध्यान रखिए, कैलोरी का पूरा चार्ट आता है उसको देखते हुए खाने से पहले क्या करिए, सलाद दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद खाने के बीच में सलाद लेते हैं, तो पहले सलाद खा लीजिए और 20 मिनट के बाद आप आराम से खाना खाए, पहला। दूसरा, एक्यूप्रेशर के सब पॉइंट एक्टिवेट कर दीजिए। देखिए आप भगवान के भजन करते हो, किस तरह करते हैं ना, ऐसा दबाइए, ऐसा दबाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बीच में दबाया मैंने, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, ये थायराइड और पैराथायराइड का ये सब पॉइंट है, इधर आगे उभरा हुआ भाग है ना, क्या दबाओ, जोर से दबाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो फास्ट हो गया। अब हम स्लो, इसमें स्लो दबाओ, ये तो थायराइड हाइपोथायराइड की तकलीफ है ना। अब क्या करिए, यहाँ से अब दबाइए, अब 10 सेकंड तक रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दर्द हो रहा है, बिल्कुल थायराइड की तकलीफ होगी, यहाँ दर्द हो, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे करो, हाथ ऐसे रखो, लेफ्ट हाथ ऐसे मेरी तरफ, हथेली खुली हुई, राइट हाथ का उल्टा है, इसमें फंसाओ, अब यहाँ दबाओ जो ऊपर होगा, अभी इसमें आराम से दबा सकते हो, देखो जो उभरा हुआ भाग है दबाओ, जोर से दबाओ, दर्द हो रहा है, हाँ ये तो कर सकते ना, इजी, ये कर रहा हूँ, रोज 5 मिनट दबाओ, ये इस तरह, हाँ ऐसे दबाओ, इस तरह दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है आपकी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, छोटे छोटे प्रयोग बेहतरीन है भाई। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, अगर आपको नहीं सबको फायदा होगा ना इससे, तो इस तरह आप दबा सकते हो। तीन प्रयोग, चौथा प्रयोग वजन घटाने का, खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, समझ गए ना, खाना खाते समय बीच में पानी मत पियो। देखिए जब चूल्हे पर या
गैस पर चावल पक रहे हो और उसमें एक गिलास पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? आंच ठंडी हो जाएगी ना। जब हम खाना खाते हैं और जब अग्नि प्रज्वलित होती है, भोजन का पचना शुरू होता है और हम क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं, तो पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, समझिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर बीच में जरूरत लग गई तो एक घूंट पानी पियो, जरूरत लग गई, कभी खाना फंस जाता है, आप उलझ जाते हो, कुछ भी होता है, तो बीच में एक घूंट पानी पी सकते हो। खाना खाने के बाद छाछ पी सकते हो, छाछ में कोई तकलीफ नहीं, समझे ना। लेकिन पानी का ध्यान रखिए, और हो सके अगर वजन घटाना हो तो एक गिलास गर्म पानी सीप सीप करके पीजिए खाने के तुरंत बाद, वो आपको फायदा कर। देखिए वजन घटाने की मुद्रा बता रहा हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, जिसमें हम लोग क्या पहनते हैं? अंगूठी पहनते हैं, इसका नाम इसका रिंग फिंगर है। जब सगाई होती है ना तो इसमें अंगूठी पहनाते हैं लड़के लड़के, पहनते हैं इसी अंगूठी। इस अंगुली को बैंड करिए, अंगूठे के नीचे लगाइए जहाँ हड्डी है ये, और हम ऊपर अंगूठे से दबा दीजिए ऐसे, फिर हाथ को ऐसे रख दीजिए, इससे भी वजन घटता है। अब और ज्यादा वजन घटाना है तो वज्रासन में बैठो ऐसे, इस आसन में बैठ के आप, अगर इस आसन में बैठने के बाद अगर ये मुद्रा करते हैं एक घंटा तक, तो कितना वजन कम होता है? 200 से 250 ग्राम वजन कम एक दिन में। लेकिन एक घंटा आप पहले दिन नहीं बैठ पाएंगे तो 2 मिनट से स्टार्ट करो, 2-3 महीने में आधा घंटा पहुंचो, फिर और धीरे धीरे आगे बढ़ो, 6 महीने में 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। फिर यह मुद्रा करिए, आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी स्ट्रेंथ फ्रेम, आप लोग पूछने लगेंगे क्या हो आप करेंगे सर, ठीक है ना। तो ये मुद्रा करिए, पहले आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ाइए, तो इससे आपका वजन घटेगा। और गरिष्ठ पदार्थ मत खाइए, इडली वड़ा डोसा ढोकला खमन पिज्जा बर्गर, जो रात को खटा के बनाया जाता है, जलेबी रात को भिगो के बनाया जाता है, वो अवॉइड करिए। और बाकी फल फ्रूट सब्जियां ज्यादा खाइए, चबा के खाइए, तो आपको देखिए आप शरीर में सुंदरता भी आएगी और वजन भी आपका एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है।